हेलो दोस्तों, मैं आयुष हूँ। आप दी लल्लन टॉप देख रहे हैं। 2019 नोवेल कोरोना वायरस की फैलने की रफ्तार बढ़ती जा रही है। जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तब तक कोरोना वायरस लगभग 31,400 लोगों तक पहुंच चुका है और इससे 638 लोगों की मौत हो चुकी है। बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है कि चूंकि कोरोना वायरस चीन में फैलना शुरू हुआ है या वहाँ इसका संक्रमण ज़्यादा है, इसलिए चीन से आया सामान छूने से वायरस इन्फेक्शन हमें हो सकता है। कुछ को इस बात की खुशी भी है कि चलो इसी बहाने चीन का सामान बिकना बंद तो हुआ। थोड़ी देर के लिए ये इस ट्रेड वॉर को किनारे रख देते हैं और ये देखते हैं कि चीन में बने सामान को छूने से कोरोना वायरस फैलने वाली बात कितनी सही है। मान लीजिए कोई पैकेज बीजिंग के एयरपोर्ट पर रखा है और उसके पास कोई कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड मरीज जाकर छींक देता है, फिर वो पैकेज नई दिल्ली के एयरपोर्ट आ जाता है, उसी पैकेज को आप छू लेते हैं, तो क्या आप भी कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हो जाएंगे? बहुत चांस हैं कि नहीं। क्यों नहीं, ये समझने के लिए वायरस को समझना होगा। हम बहुत बार समझा चुके हैं लेकिन फिर से समझाएंगे। वैसे अभी 2019 नोवेल कोरोना वायरस के बारे में समझना बहुत कुछ बाकी है, लेकिन हम जैसे जैसे पुराने वायरसों को समझते हैं उसके हिसाब से अपनी समझ बना सकते हैं। पहले वायरस के बारे में बेसिक डिटेल्स जानिए। वायरस का अपना खाने पीने का जुगाड़ नहीं होता, इसलिए वे जीवित कोशिकाओं पर हमला करते हैं, सेल्स पर हमला करते हैं। इन कोशिकाओं का खाना लूटकर वो खुद को जिंदा रखते हैं और अपने जैसे दूसरे वायरस बनाते हैं। तो ऐसा है कि जिंदा रहने के लिए वायरस को कोई जीवित होस्ट की जरूरत होती है, इसके बिना वायरस कुछ ही घंटों तक जिंदा रह सकते हैं। अंग्रेजी में इसे कहते हैं पुअर सर्वाइवेबिलिटी। CDC यानी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का कहना है कि हम इससे पहले दो और कोरोना वायरस आउटब्रेक देख चुके हैं, SARS और MERS। 2019 नोवेल कोरोना वायरस इन दोनों से जेनेटिकली रिलेटेड है, मतलब ये लोग सब एक ही कुनबे के लोग हैं। हमें पक्का तो नहीं पता कि ये कोरोना वायरस भी SARS और MERS जैसा ही है, लेकिन इन दोनों से मिली जानकारी से इसके बारे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जनरल बात यही है कि सतह पर, निर्जीव चीज़ों की सतह पर, इनकी जिंदा रहने की क्षमता बहुत बुरी है, तो जिन पैकेज के शिप होने में कई दिन या हफ्ते लगते हैं उनसे इसके फैलने के चांस बहुत कम है। आमतौर पर कोरोना वायरस रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स यानी सांस से निकलने वाली बूंदों से फैलता है। फिलहाल हमारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि 2019 नोवेल कोरोना वायरस सामान इंपोर्ट करने से भी फैल सकता है। ये कहना था CDC का। देखिए, शुरुआत में नोवेल कोरोना वायरस जानवरों से इंसान तक आया, अब ये मुख्य रूप से इंसानों से इंसानों के बीच फैल रहा है। इंसानों में भी मुख्य रूप से ये लोगों की सांस के संपर्क में आने से, छींकने से, खांसने से, इन तरीकों से फैल रहा है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि जिन निर्जीव वस्तुओं को चीन से भारत आने में कई घंटे या दिन लगते हैं उनसे हमें कोरोना वायरस इन्फेक्शन का कोई खतरा नहीं है। आखिरी में जाते जाते ये ग्राफ देखिए। लगभग ऐसे ग्राफ देखकर मैथ्स के स्टूडेंट्स को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट याद आ जाती है। कोरोना वायरस के साथ इसका डर भी एक्सपोनेंशियल रेट से ही फैल रहा है। अक्सर डर बहुत सारी गलत सूचनाओं को भी जन्म देता है। इन्फेक्शन के साथ साथ गलत सूचनाओं से बचना भी ज़रूरी है, इसलिए ये ज़रूरी है कि कोरोना वायरस के बारे में आपकी समझ दुरुस्त हो। दुरुस्त समझ बनाने के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। वायरस और कोरोना वायरस से जुड़ी कुछ बेसिक वीडियोज़ के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं। अगर आप फेसबुक पर हमें देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी एक एंड्रॉइड ऐप है उसे जाकर आप फुर्ती से डाउनलोड कर लीजिए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।